एवरीवन, वेलकम बैक टू ई-कॉमर्स काइवल, दिस साइड स्वप्नाली हियर। आईटीआर का नाम जो है आप लोगों में से सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सुना ही होगा। आईटीआर इट इज नथिंग बट इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही काफी बार जो है हम डर जाते हैं कि कहीं इनकम टैक्स की चोरी हमसे ना हो जाए या फिर कुछ गलती हमसे ना हो जाए, जिसके कारण जो है हमें कुछ पेनल्टी बैठ सकती है या फिर हमारा बिजनेस भी जो है फ्लॉप में जा सकता है। तो काफी बार ये क्वेश्चन क्रिएट होता है या फिर सप्लायर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो क्या हमें आईटीआर भरना मस्ट होता है। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका टीसीएस टीडीएस कुछ भी कट हो रहा है और अगर आप चाहते हो कि आपको उसका क्लेम चाहिए, कोई पेनल्टी आपको ना लगे, तो आपको जिस तरीके से आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो सेम तरीके से जो है आपको आईटीआर फाइलिंग करना मस्ट होता है। जैसे कि आपका जो भी जीएसटी कट होता है, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर रहे हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कोई भी एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो वहां पे जो है आपका जीएसटी कट होता है, टीसीएस कट होता है, टीडीएस कट होता है। तो जो तरीके से आप मंथली जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हो, सरकार को, गवर्नमेंट को आप दिखाते हो कि मेरा इतना इतना जीएसटी जो है मैंने ये प्रोडक्ट के लिए दिया है या फिर मेरा कट हुआ है, तो उसका जो आप फाइलिंग करते हो सेम तरीके से जो आपका इनकम टैक्स, जो टीसीएस आपका डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, वो जो है आपको उसके लिए भी जो है रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आईटीआर अभी आपको ये क्लियर हो गया, सो अभी आपको जो है क्लियर हो गया कि आईटीआर जो है आपको क्यों भरना है या फिर आपको भरना है या नहीं अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करते हो। तो अभी जान लेते हैं कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो, आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको मस्ट होता है 16A फॉर्म, जो कि आपको इजीली मिल जाता है जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सेलिंग कर रहे हो वहां से। आपने अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे काफी बार देखा होगा आपको जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है कि 16A फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम तरीके से जो है आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए सभी प्लेटफॉर्म से जो है 16A फॉर्म को कलेक्ट करना पड़ता है। अभी जान लेते हैं कि 16A फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। 16A फॉर्म इट इज नथिंग बट आपका एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें फुल इंफॉर्मेशन दिया होता है कि आपका जो टीसीएस है, टीडीएस है, वो कौन से प्रोडक्ट के लिए या फिर क्या वजह से जो है कट हुआ है, शिपिंग के लिए कट हुआ है, एड के लिए कट हुआ है, या फिर सभी इंफॉर्मेशन अभी तक आपका जो भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, जो भी मंथ के लिए, जो भी ईयर के लिए कट हुआ है, वो जो है एक सर्टिफिकेट में स्टोरेज होता है, उसे जो है हम कहते हैं 16A फॉर्म। अभी आपको आईटीआर फाइलिंग करना पड़ता है, आपको जो है पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से 16A फॉर्म जो है कलेक्ट करना पड़ता है, उसी से जो है हम आईटीआर फाइलिंग सीख सकते हैं या फिर हम जो है आईटीआर फाइलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जो है हम स्क्रीन पे चलते हैं, उस स्टेप बाय स्टेप जो है जान लेते हैं कि हमें जो है आईटीआर फाइलिंग कैसे करना है। उससे पहले जो है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो है आपको ऑफिशियल साइट ओपन करना पड़ेगा, incometax.gov.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करके कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करेगी जो कि मैंने हाइड कर दिया है। देन फाइल नाउ का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप फाइल कर सकते हो या फिर ई फाइलिंग से सिलेक्ट करना है। करंट अभी कौन सा बनना है हमें, 2023 और 2024 का। ऑनलाइन मोड से कर रहे इसलिए जो है ऑनलाइन मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑफलाइन से भी कर सकते हो आप, अगर आपको ऑफलाइन लेवल पे आईटीआर फाइलिंग करना है तो फॉर्म मिलता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी ऑनलाइन का प्रोसेस, और देन आफ्टर दैट जो है हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कभी ये फॉर्म सबमिट करने का ट्राई किया था और उसे कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोसेस, तो वो जो है आपको ड्राफ्ट में यहाँ पे शो करेगा। अगर आप चाहे तो वो कंटिन्यू रेज्यूम फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है आपको। देन इंडिविजुअल, अदर या फिर एचयूएफ, आपको जो है इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है अगर आपका फॉर्म जो इंडिविजुअल वगैरह है तो, सेपरेट आईटीआर फाइल कर रहे हो तो। देन यहाँ पे जो है आपको टू फॉर्म दिख रहे हैं, ITR 1 और ITR 4। तो ITR 4 वगैरह ये किसके लिए, इसके लिए एक डिटेल्स में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको जो है ITR 1 यहाँ पे फाइल करना है। सो ITR 1 पे जो है मैं क्लिक कर देती हूँ, प्रोसेस विथ ITR 1। आफ्टर दैट जो भी प्रोसेस में फॉलो कर रही हूँ आपको सेम करना है। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं आप जो है उनमें से प्रॉपरली ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको प्रोसेस करना है। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके सामने जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है जो कि मैंने अभी हाइड कर दिया है।
यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आती है आपकी, जैसे कि कितना आपका ग्रॉस इनकम है, कितना आपका टोटल डिडक्शन कितना हुआ है, टैक्स कितना हुआ है, 16A फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि एक सर्टिफिकेट्स होता है वहाँ पे आपकी सभी इंफॉर्मेशन होती है कि जस्ट लाइक अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो अमेजोन ने जो है आपके कितने टैक्सेस किसके लिए काटे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे आपका कितना टैक्स कट हुआ है और शिपिंग चार्ज पे हुआ है या क्या हुआ है, सभी इंफॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पे 16A फॉर्म में शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसे ही 16A फॉर्म जो है आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे सभी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप सेलिंग कर रहे वो सभी के लिए जो है आपको ये जो फॉर्म होते हैं वो फाइल कर वो निकालने पड़ेंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब ये देख लेते हैं TDS में ग्रॉस सैलरी वगैरह कितना है और कितना डिडक्शन हुआ है, क्या क्रेडिट है, सभी जो है यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो आप ये एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ये मस्टली मैच होना चाहिए आपके पैनल पे भी, तभी जाके जो है आप ठीक तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो ग्रॉस अमाउंट वगैरह प्रॉपरली आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है, टैक्सेबल वैल्यू वगैरह कितना लगा है आपको। तो ये पर्टिकुलर हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, जैसे कि आप अगर कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इसके ऊपर जो है आपका टैक्स निकलेगा, आपका टर्नओवर कितना हुआ है। तो ये सभी जो लिमिट है अभी 2023 से काफ़ी सारे चेंजेस इसमें हुए हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। आप GST के रिगार्डिंग जो फाइलिंग वाला प्लेलिस्ट है हमारा वो एक बार चेकआउट कीजिए, तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अभी यहाँ पे 16A फॉर्म पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको सिंपली फाइल अप करना पड़ता है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो देखिए यहाँ पे सैलरी एग्जम्पशन, अगर आपको कोई सैलरी आती है, आप एम्प्लॉय वगैरह हो, तो वहाँ से आपको जो कोई भी 16A फॉर्म मिलता है, कुछ अगर टैक्स डिडक्शन हुए है, अगर कुछ अलाउनेस है, तो वो सभी जो है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी अमाउंट नहीं है, अगर कुछ होता तो यहाँ पे जो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो सेम टाइप से जो है हमें यहाँ से लेके वहाँ पे अगर आप चाहे तो कॉपी पेस्ट करके सिंपली आपका टैक्स रिटर्न को इजी आप कर सकते हो। इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, दो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, अगर आप चाहे तो वो एडिट सेक्शन में जाके एडिट कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम सैलरी वगैरह ग्रॉस। तो सेम प्रोसेस जो है हमें ई कॉमर्स में भी करना पड़ता है। ई कॉमर्स में जो भी 16A फॉर्म होता है अमेजोन के थ्रू आपको मिलता है, तो सेम वो जो है आपको कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आपको जो है सेम एटिटीज कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। और आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है। जो भी डिजिट हमें 16A फॉर्म पे दिख रहे हैं वो सेम टू सेम जो है यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेना है सभी इंफॉर्मेशन। अभी मैं यही टाइप से फाइल करने वाली हूँ। सो आप लोगों को एक समझ में आ गया होगा, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और उसे इजीली अगर आप फाइल करना चाहते हो तो आपके पास 16A फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो आप इजीली फॉर्म के थ्रू जो है आपका टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो देखिए सभी जो है जितनी भी नेट सैलरी वगैरह है मैंने सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है जो कुछ भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर द सेक्शन 16A। अभी तक हमारा जो जमा हुए है, ग्रॉस सैलरी हो गया, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, सभी जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है जो कि आपने अभी कुछ परचेस वगैरह किया होगा, उस पर आपको कुछ टैक्सेस लगा है, कुछ टैक्स लायबिलिटी है, तो वो जो है आप अगर चाहे तो यहाँ पे ऐड और एडिट सेक्शन में जाके जो है आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सभी प्रोसेस जो है आपको फाइल करके सेव कर लेना है, जैसे कि मैंने बताया आपके जितने भी इनकम है वो। अगर आपके कोई अदर सोर्सेस है इसके अलावा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर जो सैलरी पर्सन हो आप, उसके अदर अलावा अगर कुछ है तो आप यहाँ पे जो है उसे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन अदर वन पे जाके क्लिक करके। सो काफ़ी इजी प्रोसेस है ये। आपको सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस देख लीजिए अभी, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अगर कुछ है तो आपको उसे यस करना है, नहीं है तो नो करना है। जैसे आप यस करोगे आपको जो है
या फिर फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी जस्ट आपको डिजिट जो है वहाँ पे फाइलिंग करना है, एनी अदर अगर कुछ आपका है तो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह रहेगा या फिर कुछ इनकम टैक्स हमारा कट हुआ है तो वहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है, फाइलिंग करना है। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, अभी जो है हमारे जो इनकम सोर्स की डिटेल्स है वो हमें वेरीफाई करनी है, मतलब हमारा ये जो है अभी लास्ट स्टेप चल रहा है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपको ये टैली करना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है कि मैच हो रहा है या नहीं। काफ़ी इजी प्रोसेस है, बस आप एक दो बार अगर खुद से फाइलिंग कर लेते हो तो आप जो है हमेशा से आपका ITR रिटर्न आप खुद कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चंस कुछ काम के नहीं लगते हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसमें से कुछ एलिजिबल हो किसी के लिए तो आपको यस पे क्लिक करके जो है उसे 16A फॉर्म में चेक कर लेना है। कुछ डिडक्शन वगैरह हुआ है कि आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिडक्शन दिख रहा है जो कि ग्रॉस है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके हमें जो है ये सिंपली डिडक्शन जो है हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। अभी सेम थिंग ऊपर के नो है तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया, ये वाला भी चेक कर लीजिए। सेम जहाँ जहाँ पे यस हुआ है आपका डिजिट जो है मेंशन है आपको वहाँ पे यस करके फाइलिंग कर देना है। अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन हमने फाइल कर लिया है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस ओनली 2 स्टेप रिमेनिंग हमारा 4th और 5th के लिए जो है हमें व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। और अभी जो है हम टैक्स क्या क्रेडिट हुआ है हमारा, कहाँ से क्रेडिट हुआ है वो सभी चेकआउट करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करना है, तो ये फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ में आ जाती है जहाँ से भी आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ है और आपने जितनी भी फाइलिंग किया होता है अभी तक वो सभी जो है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी कि कहाँ से कितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ था, क्या हुआ था। अमेजोन रहने दो, फ्लिपकार्ट रहने दो, सभी प्लेटफॉर्म की जो है यहाँ पे आपको शो करेंगे। अभी ये मैंने सैलरी के लिए भरा था तो मुझे कुछ बैंकिंग डिटेल्स वगैरह सैलरी के लिए वगैरह जो है वो यहाँ पे शो कर रही है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके जो है आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वेरीफाई नाउ करना है, जैसे हम GST रिटर्न फाइल करते हैं सेम एटीट्यूड जो है आपको ITR रिटर्न फाइलिंग के लिए OTP लगता है। OTP जैसे आपके मोबाइल नंबर पे आएगा आपको जो है यहाँ पे एग्री, देखिए जनरेट OTP, अभी OTP जनरेट कर रहे हैं, OTP जनरेट करके यहाँ पे फाइल कर देना है और सक्सेसफुली जो है आपका ITR रिटर्न फाइलिंग हो जाता है। अगर आप चाहे तो अभी जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे जाके आप जो है डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हो। सी ऑप्शन मिल गया है, डाउनलोड रिसिप्ट भी आप अगर चाहे तो कर सकते हो या फिर गो टू डैशबोर्ड पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखिए, 16A फॉर्म अगर आप ठीक से कलेक्ट कर लेते हो सभी प्लेटफॉर्म के लिए, उसे अगर आप एडिशन कर लेते हो तो आप इजीली ITR फाइल कर सकते हो आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए खुद की एंड से। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। कुछ सेलर के क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे आए थे कि मैम अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया TCS कट हो रहा है और सेम अगर हम 1 लाख के प्रोडक्ट जो 1 लाख TCS अगर हमारा कट हो रहा है या फिर हम 1 लाख कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे आए थे व्हाट्सएप पे सेलर्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं। उनका यही कहना था कि मैम अगर हम पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमें 1 रुपया TCS या फिर TDS हमारा डिडक्ट हो रहा है, तो अगर हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख प्रोडक्ट सेल कर दिए तो हमारा टोटल हो जाएगा 1 लाख प्रोडक्ट के ऊपर 1 लाख TCS TDS हमारा कट हुआ है, तो क्या हमें फुल 1 लाख का TCS TDS जो है रिफंड मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर 1 लाख में से जो है हमें कितना मिलेगा ये हमें प्लीज बताइए। तो देखो इसके लिए जो है मुझे एक डिटेल्स में वीडियो बना के आप लोगों के साथ में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 टाइप के रिफंड आपके मिलते हैं, एक होता है GST रिफंड और दूसरा होता है इनकम टैक्स रिफंड। तो जो GST रिफंड होता है वो आपको GST पोर्टल पे ही रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको जो है GST जब आप फाइलिंग करते हो तब जाके वहां पे जो है आपको वही अमाउंट से GST आप फाइल कर सकते हो, उसे जो है आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एंड सेकंड वन होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि एक डिफरेंट वन है, वो आपके डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट में आपको उसका क्लेम रिफंड मिल जाएगा।
तो ये एक डिफरेंट वे है। जैसे कि आपके 1 लाख प्रोडक्ट पे 1 लाख TCS अगर कट हुआ है तो आपको फुल 1 लाख मिलेगा क्या, या फिर उसमें से कितना GST का है और कितना जो है TCS का है, ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो में जरूर बना दूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो